قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. इज्जत और एहतराम के लायक नमाजी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अल्लाह ताला का तुबा शुक्र के जिसकी तौफीक से दरस कुरान की बाबरकत घड़ियों में सब हाजिर हैं। दुआ के खालिक कायनात तालीम कुरान और तबलीग कुरान की ये बाबरकत घड़ियाँ हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। आज की इस क्लास में सूरह अनाम की आयत नंबर 32 और 33 का मफहूम आपके पेश गुजार किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, कि दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर खेल तमाशा। ये दुनिया आरजी है, फानी है, वक्ती है, यहाँ का कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है और एक खेल तमाशे की तरह गुजर रही है। खुश नसीब होगा वो इंसान के जो इस दुनिया को आरजी ठिकाना समझते हुए, इस दुनिया को फानी जहान समझते हुए उस जहान के लिए तैयारी करेगा जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए कायम रखना है। कुरान मजीद में दूसरी जगह पे इरशाद होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कद अफलह मन तज़क्का व ज़क्कर इस्मा रब्बिहि फ़सल्ला बल तुक्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। अल्लाह फरमाता है कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को अंदर से साफ सुथरा कर लिया, पाक कर लिया, तस्किया कर लिया। और फरमाया बल तुम से दून अल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरत खैर व अबका। अल्लाह ऐलान फरमान है कि आखिरत की जो जिंदगी है वो इस जिंदगी से बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। यहाँ पर दुनिया की हमाहमी में और दुनिया की मसरूफियात में यकीनन हर इंसान दुनिया के साथ चलने पर मजबूर है, लेकिन इस्लाम ये ज़रूर तालीम देता है कि इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया बनाने वाले को ना भूलो, इस दुनिया में रहते हुए अपनी मौत से बेखबर न रहो, इस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अपने आप को आखिरत से गाफिल न करो। मौलाना नूर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि दुनिया को दुनिया को पानी समझो और अपने आप को कश्ती समझो, यानी इस दुनिया के पानी पे कश्ती की तरह रहो कि अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो कश्ती डबो देगा। तो इसी तरह दुनिया की मिसाल है कि दुनिया में रहो, इस्लाम दुनिया में रहने से मना नहीं करता, माल पैसा रिस्क खुशी गमी से इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इस दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को इस कदर आगे ना ले जाओ कि तुम्हें ना खुदा याद रहे, ना मुस्तफ़ा याद रहे और ना तुम्हें अपनी कब्र और मौत याद रहे। ये ना करो, दुनिया में रहो, खाओ पियो, खुशी गमी, दुनिया के मामलात ये सब ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दुनिया की हिर्स में इस कदर आगे जा चुके होते हैं, ना उनको हलाल हराम की तमीज़ रहती है, ना उनको फ़र्ज वाजिब की तमीज़ रहती है, ना उनको किसी अपने पराए की तमीज़ रहती है। हर वक्त जो है हल में मजीद, हल में मजीद, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और उसको इकट्ठा करने की धुन में जो है वो लगे रहते हैं। तो ये उनके लिए सबक है कि ये दुनिया खेल तमाशा है।
यहाँ पे तुमने हमेशा के लिए नहीं रहना, यहाँ पे वो करो जितनी देर यहाँ रहना है, और फिर वो जो बाकी जहान है कि जिसकी जो है वो उम्र का एंड ही नहीं है, हमेशा के लिए बाकी है, तो फिर वहाँ के लिए भी तैयारी जो है उस एतबार से करना ज़रूरी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र फरमा रहे थे, सहाबा किराम का काफिला साथ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बकरी का मुर्दार बच्चा वो रूढ़ी पे पड़ा हुआ है। सहाबा किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप उसके पास जाके रुक गए। हुज़ूर ने काफिले को रोका, आका करीम ने पूछा ये जो तुम्हारे सामने बकरी का मुर्दार बच्चा रूढ़ी पे पड़ा है, क्या समझते हो कि इसके मालिक ने इसकी कितनी कीमत लगा के फेंका होगा? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह इसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए तो उसने यहाँ पे फेंक दिया, कोई इसकी कीमत नहीं, ये बेवकूफ़ चीज़ हो गई थी, मुर्दार हो गया था, और इसके मालिक ने बेवकूफ़ समझकर ये ना खाने के काबिल है, ना बेचने के काबिल है, ना रखने के काबिल है, उसने बेवकूफ़ समझकर इसको बाहर फेंक दिया। आका करीम ने फरमाया मैं इसलिए रुका हूँ कि जिस तरह ये मुर्दार बकरी का बच्चा अपने मालिक के सामने बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की जो कीमत है वो भी ना होने के बराबर है, अगर इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला जो है ये काफरों को ना देते, काफरों को ना देते। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, यानी ये काफिर के लिए ऐशो आराम की जगह है लेकिन मुसलमान के लिए ये दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है, ये काम करने की जगह है। मोमिन को जो इसके बदले में एजाज मिलना है वो इस दुनिया की जिंदगी के बाद मिलना है, अगर वो अच्छे काम करके गया, नेक अमल करके गया तो कब्र से लेकर हिशर तक हर मैदान पे उसके लिए कामयाबी है, और अगर उसने दुनिया की जिंदगी इस तरह गुजारी कि इसकी मोहब्बत में रहते हुए उसको दाएं बाएं की कोई खबर न रही, अल्लाह रसूल की कोई खबर न रही, तो ये उसके लिए बदबख्ती की बात होगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलद्दारुल आखिरत खैर, आखिरत का जो घर है वो बेहतर है, लिल्लज़ीना यत्तकून, जो अल्लाह से डरते हैं, तक्वा इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी करते हैं, उनके लिए आखिरत का घर अच्छा है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? अब ये अल्लाह का अंदाज देखे ना, यानी अल्लाह किस तरह खिताब फरमा रहे, अफला ताकिलून, तुम्हें अक्ल नहीं है, देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो, रोज़ाना उठते हुए जनाजे नहीं देख रहे, रोज़ाना तरह तरह की बीमारियाँ नहीं देख रहे, रोज़ाना मरना जीना नहीं देख रहे, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है फ़ानी सिस्टम जो है देख नहीं रहे, दिन चला जाता है, रात आ जाती है, रात चली जाती है, दिन आ जाता है, सूरज डूब रहा है, तनु हो रहा है, ये फना की चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी हुई हैं ताकि सबको पता चले कि जिस तरह सूरज तनु होता है डूब जाता है, अरे पैदा होने वाले इंसान तूने भी एक दिन डूब जाना है, जिस तरह रात आती है ख़त्म हो जाती है, तेरी ज़िंदगी की रात भी जो है ख़त्म होने वाली है, दिन आता है चला जाता है, तेरी ज़िंदगी का दिन भी चला जाएगा। कामयाब होगा वो शख्स कि जो अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करे। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है, आका करीम ने अब्दुल्लाह बिन उमर के बाजू से पकड़ कर ऐसे हिला के फरमाया, फरमाया या इब्ने उमर कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरुन सबील, दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे एक अजनबी होता है और ऐसे गुजारो जैसे एक मुसाफिर होता है, कि अजनबी बंदा जो है वो भी कहीं ना कहीं से आया हुआ बिल आखिर अपने ठिकाने पे चला जाता है, मुसाफिर भी
अपना काम करने के बाद अपनी मंजिल पे चला जाता है। तो तुम्हारी हैसियत भी मुसाफिर की तरह होनी चाहिए कि अल्लाह ने एक काम के लिए भेजा है, वो काम करके हमने फिर उस आलम में चला जाना है जहां से हम यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो आलम में बरज़ख है, आलम में अरवाह है, फिर आलम में क़यामत है, जन्नत है, दोज़ख है, वो इस एतबार से हो। तो खुश नसीब है वो शख्स कि जो अपने आप को जो है इस दुनिया की ज़िंदगी में जो है आखरत के लिए तैयार करता है। औलिया किराम की सीरत को पढ़े, बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े, वो भी दुनिया में रहे, उन्होंने खाया है, पिया है, दुनिया की खुशी गमी के मामलात में शरीक रहे, लेकिन दुनिया को दिल में जगह नहीं, मोहब्बत दिल में नहीं रखी। दिल में जो है अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को बसाया है और रब ने फिर ऐसा एजाज अता फरमाया, जब तक दुनिया की ज़िंदगी में रहे तो भी अल्लाह ने इज्जत के ताज सर पे रखे, और जब दुनिया की ज़िंदगी गुजार के चले गए तो फिर भी जो है अल्लाह ने इज्जत के ताज रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला एक दिन गर्मी के मौसम में हजूर के पास आए, हजूर सल्लम सोए हुए थे। जब आका करीम को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आका करीम को जो ही जाग आई ना, हजूर अकरम सल्लम ने उस वक़्त गर्मी की वजह से अपने जिस्म पे कमीज मुबारक नहीं पहनी हुई थी, आप सो के उठे और अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैंने हजूर के जिस्म पे देखा कि चटाई के निशान जो है वो हजूर के जिस्म पे बने हुए थे, कि आप चटाई पे लेटे थे और वो चटाई के निशान जो है वो हजूर के जिस्म पे नजर आ रहे थे। हजूर की बात चाहते तो पल झपकने की देर में जन्नत से बिस्तर मंगा सकते थे, चाहते तो दुआ करते और अल्लाह ताला ऐसा बिस्तर हजूर के लिए अता फरमा देता कि जैसा हजूर चाहते। हजूर गज़वे ओहद पे सोए, ओहद की जब जंग लगी ना, हजूर सल्लम ओहद पहाड़ पे ऐसे टेक आपने लगाए, वो निशानी अब भी मौजूद है जो वहाँ पे प्रॉपर भेदी लोग हैं वहाँ के, जो वहाँ के रहने वाले हैं, सीरत की किताबों में भी ये मौजूद है, कई हुज्जाज किराम ने उसकी ज़ियारत भी की होगी। हजूर पहाड़ पे तशरीफ़ फरमाए, हजूर का दिल किया कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेट जाऊँ, हजूर पहाड़ के साथ बैठे थे, आप ऐसे लेटे ना, अल्लाह ने उस पहाड़ को हजूर के लिए बिस्तर बना दिया, मूल बना दिया, हजूर के जिस्म का सर का निशान अभी तक उस पहाड़ पे लगा हुआ। यानी जो रब हजूर के लिए ओहद जैसे पहाड़ को बिस्तर बना देता है, वो अल्लाह ताला जो है हजूर के लिए चटाई को भी जन्नत का जो है वो बना सकता है बिस्तर। लेकिन हजूर सल्लम उस चटाई पे सो के उठे ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इजाजत मांगी, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए रुई का बिस्तर बना लूं, अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए मैं नरम बिस्तर बना लूं, तो आका करीम ने मना फरमा दिया। हजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद इस दुनिया से मेरा क्या लेना देना, ठीक है, आए अब्दुल्ला बिन मसूद मुझे बिस्तरों की जरूरत नहीं है, मैं जिस काम के लिए आया मैं वो काम कर रहा हूँ, बस वो काम हो जाए तो ये मेरे लिए जो है बड़े एहसास की बात होगी। तो जब रसूलुल्लाह की जात का, सहाबा किराम का, औलिया किराम का दुनिया की जिंदगी को इस कदर देखने का अंदाज है, तो उनके मुकाबले में फिर हमारा तो कोई शुमार नहीं। तो इसलिए हमें जो है उनसे भी बढ़कर जो है आखिरत की तैयारी के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। आज जो दुनिया की वक्ती लज्जतों में और वक्ती ठाठ बाठ में और ऐशो इशरत में अपने आप को मसरूफ़ रखते हुए अपनी मौत कब्र हशर को बुला देते हैं, तो फिर ये बदबख्ती की मौत उनके लिए आखिरत में अफसोस का और नुकसान का बहस होगी। अल्लाह ने दावत दिया, फलता के लू तुम्हें अकल नहीं है, किधर जा रहे हो, मुझे छोड़ के दुनिया की मोहब्बत को बसा रहे, मुझे छोड़ के जो रब सुबह से लेकर शाम तक अपनी नेमतें तुम पे निशावर करता है, उस रब को छोड़ रहे हो कि जब तुम्हें प्लास्टिक का चम्मच नहीं पकड़ना आता था रब उस वक्त भी तुम्हें खिला पिला रहा, जब तुम अपने जिस्म से मक्खी नहीं उड़ा सकते थे रब लोगों के दिलों में तुम्हारा प्यार डाल रहा था, आज तुम्हें अक्ल नहीं, आंखें निकली, शऊर आया, तो उस रब को छोड़ दिया जो तुम्हें बचपन से पालता चला आ रहा, उस रब को छोड़ दिया जिस रब ने तुम्हें चलने के काबिल बनाया, कमाने के काबिल बनाया, आज चार पैसे क्या कमाने आ गए कि तुमने उस रास्ते को बुला दिया,
रिस्क की फिक्र में इस कदर आगे चले गए कि राजिक को बुला दिया, नुमाया अकल नहीं है, नुमाया कद ना नमो। अल्लाह फरमाते हैं महबूब हम जानते हैं इन्नहुम लयहज़ुनुकल्ल यकूलूना वइन्नहुम लायुकज़्ज़िबूनका, ऐ महबूब आप परेशान हो जाते हैं उनकी बातों की वजह से जो आपको झुठलाते हैं। देखिए अल्लाह तसल्ली दे रहा है, अल्लाह फरमाए महबूब हमें पता है काफिर बातें करते हैं, मुशरिकीन बातें करते हैं, मुनाफिकीन बातें करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, उनकी बातों को दिल पे ले लेते हैं। हम जानते हैं कि आपको दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन ऐ मेरे हबीब आप इनकी बातों की फिक्र न किया करें, मैं रब आपके साथ हूँ। وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, ये जो आप पर बातें करते हैं, ये जो आपका इनकार करते हैं, इनको अकल ही नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का इनकार करना ये अल्लाह की आयतों के इनकार करने के मुतरादिफ़ है। ये आपका इनकार करके अपने लिए दोज़ख़ खरीदते हैं, आपका इनकार करके अपने लिए बदबख्ती खरीदते हैं। आप इनकी बातों पर परेशान ना हुआ करें, मैं जब रब आपके साथ हूँ, आपका जिक्र मैंने बुलंद किया, आपकी अजमत बुलंद की, आपको भेजा मैंने, आपकी हिफाजत का जिक्र मैंने लिया, ऐ महबूब इनकी बातों को दिल पे ना लिया करो। आप जो है जिस काम पे लगे हुए हैं आप वो काम करते रहे, अल्लाह ताला हर कदम पर आपके साथ होगा। फिर यही वजह है, ये अल्लाह की तसल्लियाँ थी, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला इत्मीनान था कि आका करीम ने फरमाया अगर मेरे दाएं हाथ पर जो है सूरज रख दिया जाए और बाएं हाथ पे चांद भी रख दिया जाए तो फिर भी मैं अल्लाह के दीन की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तमाम तर बाई काटों के बावजूद कदम कदम पे हजूर सल्लम ने जो है इस्लाम की दावत को आम किया। हम इन आयात मुबारक की रोशनी में अल्लाह के हजूर ये वादा करते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी को आर्जी समझना है, वक्ती समझना है, इस दुनिया की ज़िंदगी को इस दुनिया के हिसाब से गुजारना है और यहाँ पे रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी है, बाकी जहाँ की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर फरमाए। वाखिर दुआ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلاة دائمة الدعاء منك اللهم ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصل لنا شؤوننا كلها عملنا ربنا وتقبل دعاءنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد